बिल्कुल मास्टर में सर यही होता है कि आप दूसरों को भी ट्यून कर सकते हैं या किसी समदा, लेवल में भी कोई इजाफा होता है? बिल्कुल आप दूसरों का ट्यून कर सकते हैं समदा से। समदा लेवल 1 to 4 तो मैं हर किसी को कराता हूँ मास्टर, लेकिन अगले लेवल में मैं चेक करता हूँ कि कौन इस काबिल है, तो कि अगले लेवल जो 1 to 4 की रहता है और जो 5 to 8 की रहता है मास्टर होगा। जी बिल्कुल 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 ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थैंक जी सर, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह। जी जी थैंक यू, ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा। यहाँ पर बात हो रही थी हमारे कि किस तरह के हम अपने सलाइतों को जानने के। अब ये तायरा ने भी बताया कि मकसद ये खुदा दादी सलाइते जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं ना, एक बार अगर हम ठीक है अल्लाह ताला की सलाइते थोड़ा सा अगर हम ये कर लें कि थोड़ा सा गौर फिक्र जिसे अल्लाह ताला कहते हैं, थोड़ा या थोड़ा साइंटिफिकली हम सोचें कि इस सलाइतों को किस तरह जाना जा सकता है, महसूस तो हम करते हैं, क्या देख भी सकता है ऐसा भी कोई सलाहियत हमारे पास, कोई ऐसा दूरबीन या टेलीस्कोप जिसे या माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, कोई ऐसा कुछ भी हमारे अंदर अल्लाह ने डाले तो कि इसके जरिए हम ये सलाहियतों को देख सकें, कैसा भी है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं है, फिल्म जिसे बसारत कहते हैं, जिस तरह ओरा हम देखते हैं, बिल्कुल हम ओरा देखते हैं सर, हम बसारत की आंख जिसे हम कहते हैं उससे बहुत सारी चीजों को देख लेते हैं, हम छठी हिस्स जिसे कहते हैं बहुत सारी चीजों का हम इतराक कर लेते हैं, लेकिन वो रेंडमली हो रहा होता है क्योंकि हम छठी हिस्से कोई बात मालूम कर ली, अपनी बसारत से कोई चीज मतलब महसूस कर ली, अगर हमने अपने ओरा को मतलब कुछ बेहतर कर लिया मुख्तलिफ मशकों के जरिए, योगा के जरिए, कुछ और मतलब है हमारे मराकिब के जरिए, तो उनमें हम इजाफा कर लेते हैं और उन चीज़ों के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को मतलब देख भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर भी रहे होते हैं, लेकिन जब हम ये जो समदा हीलिंग एनर्जी या एचएमएफ करते हैं तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ना लाइनअप हो जाती है, और वो जो ओरा होता है हमारा उतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें हर चीज़ का इदराक हो जाता है, हमें हर चीज़ आसानी से नजर आती है, और बोलकर साथ में ये होता है कि हम दूसरों के मतलब चीजों को और मामलात को उनकी परेशानियों को बहुत जल्दी इदराक कर लेते हैं, सही जो आम तरह नहीं कर पा रहे होते, ये एक बहुत मेजर मतलब फर्क है असल में, जो मराकबों का मुख्तलिफ किस्म की मशकों का मुख्तलिफ चीजों की हमारे अंदर छठी हिस्स का, लेकिन वो कभी कभार होता है, होता असल में है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, हो रहा होता है, मौजूद भी होता है वो चीजें, हमारा हो रहा बाद वो ठीक हो जाता है कभी थिन हो जाता है, उस वजह से जो है ना वो चीजों के अंदर इदराक कम होता है, लेकिन जब हम ये सीखते हैं ये और ये चीजों को जो मतलब है कि अपना अटी हो जाते हैं तो फिर हमारा ओरा जो है ठीक हो जाता है। साइंस के हवाले से डॉक्टर साहब, हमारे जो हम एजी मशीन के जरिए देखते हैं तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स, कुछ 7 एनर्जी सेंटर्स कहते हैं जिस तरह योगा में है, जी जी चाक्रास के दिन में है, कुछ उलमा 5 लताइफ कहते हैं, कुछ 7 लताइफ कहते हैं, कुछ ज्यादा भी कहते हैं, कुछ 14 लताइफ कहते हैं, ओरिजिनल साइंसेस में है 14 लताइफ, जी 14 एनर्जी सेंटर्स, इसे भी बात करेंगे, वो चीजें क्या है जो आप लेवल 5th में आपने पढ़े थे या मेरे किताबों में आपने पढ़े थे, तो उस पे बात करेंगे। कॉलर होल्ड पे है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ जी, ज्यादा पसंद जी, ज्यादा तबसुम आज हमारे प्रोग्राम में क्या कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इतना ये इलम दिया है जी शुक्रिया, और मैं तो इतनी मुतासिर हूँ इस चीज से कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला आपको इतना माशाल्लाह से हमारे लिए एक वसीला बना के भेजेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडेंट हैं। जी जी मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने बंदों को जी जितने बंदों को मैंने हीलिंग दी है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला है माशाल्लाह माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब अभी तो ये पोजीशन है कि जब मैं गाड़ी में कहीं सफर कर रही होती हूँ ना तो किसी बंदे को मेरा पता होता है तो वो लाइने लग जाती है कि भाई आप हमें दम करें ना। अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा यानी रास्ते में भी लोग मिलते हैं, सही बात है। एक बस काम की टीम जानी कि जब मैं मतलब कि उतरती हूँ तो वो मेरे साथ कहते हैं हमने जाना तो आगे था लेकिन पहले आपसे दम करवा ले। सही, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अलहमद
किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना, तो उसके मतलब जो क्लास में लड़के लड़कियां हैं जी जी, तो वो टाइम ले लेते हैं कि आप बताएं ना किस टाइम आप एनर्जी देंगी, किस टाइम आप फीलिंग करेंगी। तो इस दफा मैं आ रहा हूँ, आपने कितने स्टूडेंट को तैयार किए हैं? डॉक्टर साहब अभी तो एक स्टूडेंट है मेरे पास ऐसा कि जो कहता है कि मैंने डॉक्टर साहब से कोर्स करना है ये। अच्छा ठीक है, नहीं तो आप उनको तो बुला सकते हैं वहाँ के जो वो चलो लेक्चर में तो आप बुला सकते हैं ना उनके, तो बिल्कुल बुला सकते हैं। उनके तो इतने ज्यादा चार्जेस नहीं होते, वो चंद सौ रुपए होते हैं ना, 250 है कितने, तो उनमें तो आप बुला सकते हैं ना उनको। जी डॉक्टर साहब, मैं इंशाल्लाह से काफी ज्यादा ऐसी लेडीज हैं कि जो आना चाहती हैं ना, सही, लेकिन उनका ये कि घर की कुछ मजबूरियां ऐसी है ना, तो वो मुझे कहते हैं कि आप हमें बता दो ना, तो लेकिन एक लेडीज तो अभी भी मेरे पास बैठी है। सही सही सही, हाँ जी, तो वो कहती मैं तो पक्का जाऊंगी ना इंशाल्लाह से, जब आप आएंगे इस्लामाबाद तो आप हमें डेट बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह से उसकी डेट पे फिर आपको लेके आऊंगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और कोई सवाल? कोई डॉक्टर सवाल सिर्फ एक करना चाह रही थी कि ये जो आपने कलर बताए हैं ना जी, फोर नंबर लेवल में जो कलर बताए हैं आपने जी, बिल्कुल, वो खाने वाले कलर तो सिर्फ तीन ही है ना, तो बाकी कलर कैसे बनेंगे? बहुत सारे कलर है, सिर्फ तीन नहीं है, और भी है कलर, काफी सारे कलर। खाने वाले कलर मिल जाते हैं जो पीने के लिए मौजूद ना हो? खाने वाले कलर, अरे आपने दूसरे कलर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, वो तो बीमार करेंगे लोगों को। लेकिन मैंने काफी साफ से पता किया है, तो वो अभी इतना कुछ बताओ करें, इन्हीं को मिक्स करके आप बना ले। नहीं नहीं, अब जरूरी भी नहीं है, आप सिंपल पानी को दम करके लोगों को दें तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी, फिर आज तो मैं पानी पे दम करके दे रही हूँ ना। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगे पिंडी में। अल्लाह हाफिज। दाफिज। मौजूद हमारे थे डॉक्टर साहब वली मोहम्मद साहब, मुजाह साहब। हम इस लायतों को कैसे जान सकते हैं? मसलन एक आम शख्स हमारे पास जो भी आता है, पेशेंट आते हैं, तो हम उसको मालिश भी बना देते हैं और इलाज भी करते हैं। अब ये थोड़ी देर में ये कैसे मुमकिन है? ये क्या वजह है? क्या ऐसे चीज है? क्योंकि बहुत से नए नाज़रीन जो है वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि किसी से बात करते ये बहस क्या है, क्योंकि उन्हें तो अपने आप को सिर्फ वही नजर आते हैं कि हम तो ये गोश्त पोस्ट खून और हड्डियां हैं और बस। या अगर कोई और, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को लाचार बेचार कमजोर समझ के वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम किसी चीज काम के नहीं है, हम तो ऐसे हैं, बस अल्लाह ने ऐसे ही कमजोर बना दिए। तरहाल के वो अशफ़ल मखलूकात है। अगर एनिमल अपने तलाश करते हैं और अपने मंजिल को तय करते हैं और एक नतीजे तक पहुंचता है, पेट भरा रहता है और इंसान भूखा रहते हैं हमेशा, वरना झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, जलेसी करते हैं और दूसरों को तंग करते हैं, बुरा मानते हैं छोटी छोटी बातों को और हर चीज पे शक करते हैं, तो इंसान क्या बना? एनिमल और इंसान के कितना फर्क हुआ? तो अशफुल मखलूकात किस बेस पे हम अखलाक में हैं? अखलाक सही नहीं है कैसे ठीक किया जाए? अशफुल मखलूकात हम अपने थिंकिंग को सही करने के, नेगेटिव है, नेगेटिव ख्याल को कैसे ठीक किया जाए? अशफुल मखलूकात हम इस बेस पे हैं कि हम मेटाफिजिकल स्लाइटों पे बात करें, उस पर तहकीक करें, नहीं करते हैं कैसे किया जाए? अशफुल मखलूकात इस पे हैं कि हम रूहानी ताकतों पे बात करें और उन पे रिसर्च करें, डिस्कस करें, बैठे तजाद ना करें, जिद ना करें, अपने आप को ना कहे मैं ऐसा हूं तुमने ये गलत कहा हो, रिसर्च करें, तजिया करें, बात करें, लेकिन नहीं करते हैं, हम कैसे कर ले? रोजाना फिजिकल बातें करते हैं, दिन में 99% फिजिकल बातें करता है, कभी कभी 1% मेटाफिजिकल बातें होती है, और इस कायनात में 99% मेटाफिजिकल पावर है, 1% मादा है। सही। हम 1% से 99% बात करते हैं और जो 99% है उससे 1% बात करते हैं। तो कैसे जाना जाए इस चीजों को? हमारे अंदर क्या है? ये वजूद है मेरा, इसके अंदर आप क्या देख? ये
फिजिकल बॉडी, ये हाथ है मेरे, ये वजूद है, ये पांव तक ये नजर आते हैं। आपने वाइब्रेशनल पावर जो महसूस किए थे, जो क्लास के दौरान जो ताकतें अल्लाह ने आपको दी है, वो शिफाई ताकतें जो आपके वजूद में है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सही, ऐसा कौन सा चीज है इस दुनिया में जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? सर ये समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो ऐसा तरीका इलाज है जिसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पिछले प्रोग्राम में सर हमने गुफ्तगू की थी ना कि असल में चीजें तो सर हर जगह मौजूद है। जिस तरह अभी कहा कि हमारे अंदर सलाई है, वो जो एनर्जीज है और जो चीजें हैं, जो 99% दायरे के जो मेटाफिजिकल जो दुनिया है वो तो मौजूद है हमारे चारों तरफ, हमारे पास भी, लेकिन असल में ना हम उसको इदराक कर रहे होते हैं, ना उसका एहसास कर रहे होते हैं, ना हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये चीजें भी ऐसी हैं कि जब कोई चीज हमारे इदराक में आएगी तो अब जितना हम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती है, उस्ताद की मदद से बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं हम, बहुत सारी चीजों को पढ़ने के लिए जो है ना उस्ताद की मदद से बहुत सारे काम कर लेते हैं। अच्छा, और फिक्र से बहुत सारी चीजें हमें मतलब है कि मिल जाती हैं। बिल्कुल ये भी इसी तरीके से है कि जब हम इन एलर्जीज को या इन चीजों पर गौर फिक्र करते हैं या हम जा करके इन चीजों को हासिल करते हैं किसी से, तो फिर ये हमारे अंदर जो है ना एक तरह से ये तवानाइयां जो बिखरी हुई होती हैं वो एक जगह जो है मुश्तमा हो जाती हैं, और उनके इज्तिमा की वजह से और उनके एक जगह स्ट्रेंथ हासिल करने की वजह से फिर वो चीजें जो होती हैं वो शिफाई कुवतें बन जाती हैं। सही। वो हमारे हमारे ओरा को जो है वो इतना ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग कर देती है कि हम चीजों को देखने की और हमें महसूस करने की सलाहियत हमारे में बढ़ जाती है। ये असल में वो सर आगे बात हो रही है डॉक्टर साहब, जिसे मसाले जैसे मुर्दों में कहते हैं। अब ये क्या है, कहां से ये पैदा होते हैं, कहां से पैदा होता है? आप बोली मोहम्मद साहब कह सकते हैं आप वजह, ये जो ओरा है ये कहां से पैदा होते हैं? सर जहां तक मैं समझा हूँ, ये इंटरनल जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें से एक एनर्जी होती है जिससे एक फील्ड हमारे अंदर जनरेट होती है। जबरदस्त बात कही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सर ऐसे ही है। असल में आप देखिए कि इसकी मिसाल सर मैं आपको मिसाल दूं, 14 एनर्जी, जी जी बिल्कुल सर, आपको देखिए वो 14 एनर्जी सेंटर जो है हमें एनर्जी दे रहे होते हैं, और एक एनर्जी मतलब एक हमारे पास जो है एनर्जी की जो फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारे चारों तरफ जो है वो हमें ढांक के रखती है। इसकी मिसाल ऐसे ही, जिस तरह हमारे पास जो है अल्लाह ताला ने एक ओजोन की लेयर बना के रखी हुई। अच्छा, ओजोन की लेयर ये है कि जितनी भी यानी कि इंफ्रारेड मतलब है कि हमारे पास जो शुआ है या मतलब है कि ऐसी जो हमारी जिंदगी हमारे लिए हार्मफुल है उनको रोक रही होती है, और जो हमारे लिए शफा बख्श और हमारे लिए सेहत बख्श होती है वो आ रही होती है। सही। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारे ओरा होता है ना, ये असल में हमारे गिर्द जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब जो बीमारियां और चीजें होती हैं, जब हमारे इस ओरा में तब्दीली आती है तो बीमारियां भी लग जाती हैं। जिस तरह देखिए कहीं इन्फ्लुएंजा हो रहा हो, कहीं पर कोई और मतलब है कि इन्फेक्शन डिजीजेस हो रही हो, 100% लोगों को मतलब है कि ये नहीं होती है, कुदरत बहुत लोगों को महफूज रखती है हमेशा, और हम उसको इम्यूनिटी भी कहते हैं कि भाई उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी इस वजह से वो बच गया। असल में सर वो जो ओरा होता है ना वो जरासीमों को, उन चीजों को प्रोटेक्टिव लेयर जो है नहीं आने देती, वो जो प्रोटेक्शन जो हो रही होती है ना तो उसकी वजह से वो महफूज हो जाती है बीमारियों से, और जिनके अंदर ये लेयर जो होती है वो वीक होती है या उनके अंदर से वो जो चेंज जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं या वो लोग जो ज्यादा गौर फिक्र नहीं करते, ज्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं, ज्यादा मुश्किल में रहते हैं, या ज्यादा मतलब है कि जो है उनका अंदाज जो जाहिलाना होता है, तो उसके नतीजे में होता ये है कि वो चीजों को जो जल्दी वो मतलब है कि पिक कर लेते हैं, सिर्फ फर्क ही होता है। तो जब वह इंसान अपने गौर फिक्र से, अपने इदराक से और यानी मुख्तलिफ किस्म के जो तरीक़ेकार हैं उनके मशकों से, या मतलब है जो समदा हीलिंग और हमारे HMF है इनको जब यानी सीखता है तो अपने ओरा को मजबूत कर लेता है, तो उससे होता है कि वो जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना सर, वो प्रोटेक्शन बन जाती है उसकी, तो जो शील्ड होती है ना वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप उसमें बम्बार्डमेंट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का या मुख्तलिफ जरासीमों का, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई मतलब असर नहीं हो रहा होता, और उसकी वजह से न सिर्फ जब उस पर असर नहीं होता तो वही कुवतें जो होती हैं हम दूसरों को जब मुंतकिल करते हैं तो नतीजतन उनको भी शफा होने लगती है, उनके भी मतलब है कि जो मुश्किलात होती हैं उन दूर हो जाती हैं, उनमें से वो बीमारियां जो होती हैं उनके करीब नहीं आ रही होती। इसीलिए सर वो जो है बगैर किसी साइड इफेक्ट के, असल में इसका जो मेन मतलब है कि जो यानी अहम चीज है, इसकी जो मेन अहमियत है वो ये है कि बगैर साइड इफेक्ट के करने को, तो सर हमारे पास अद्वियात भी यानी कि ये काम करती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है ना, हमारे अंदर से बीमारियों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ साइड इफेक्ट वो छोड़ जा रही होती है, वो मुख्तलिफ किस्म के सर्जरी भी हमारे लिए बहुत आसानी मुहैया करती है लेकिन बहुत सारी चीजों को जो बिगाड़ के जा रही होती है, बिगाड़ के जा रहे होते हैं, एक सिस्टम को ठीक करता है दूसरे सिस्टम पे बुरा असर करते हैं। जो मसलन जो मेडिकल मेडिकल तरीका बिल्कुल ठीक है लेकिन साइड इफेक्ट्स ज्यादा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो हम दोबारा बात करेंगे इस पे कि वो क्लियर नहीं हुआ डॉक्टर साहब।
कि ये सलाहियत जिसे एनर्जी सेंटर्स कहते हैं कहाँ कहाँ पर है और कैसी है, ये कैसी सलाहियत है ये जानना चाहते हैं, कॉल सुनते हैं, कॉल के बाद